अरे तू अंधी है क्या है? तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तुझे मरना भी है तो कहीं और जाके मरना, मेरी गाड़ी के आगे जगह मिली है तेरे को मरने की। वो मेरा ध्यान कहीं और था। तेरा ध्यान कहीं और था? अरे तेरे ध्यान के चक्कर में ना अभी तेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं जेल चला जाता। मैं वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मेरी मीटिंग है। आप इतनी लेट हो ही चुके हैं तो आप मेरा एड्रेस बता दीजिए। मुझे फ्लाइट पकड़नी है। कहाँ तू पड़ गई? लाखों का नुकसान हो सकता तेरी वजह से। अभी आपका लाखों का नुकसान हुआ है, क्या पता भगवान आने वाले टाइम में करोड़ों का फायदा करवा दें। हेलो। हाँ बोल। मैं व्हाट्सएप चेक कर। अरे यार यहाँ मेरा वैसे दिमाग खराब है और तू पता नहीं व्हाट्सएप अर्जेंट भेजा जल्दी। क्या है व्हाट्सएप में? चेक तो कर। ठीक है देख रहा हूँ। अरे ये लड़की तो अभी यहीं थी, ये अचानक कहाँ गायब हो? अरे अक्की, आज तो आपकी फ्लाइट थी ना, आप वापस क्यों आ गए? क्या बताऊं पिता, मैं गाड़ी से जा रहा था एयरपोर्ट के लिए, वहाँ सडन एक लड़की आ गई सामने, मैंने एकदम से ब्रेक मार दी, वो बच गई एक्सीडेंट से, और उससे मेरी कॉन्वर्सेशन चली रही थी, इतने में रोहित की कॉल आई मेरे पास कि यार तू अपना व्हाट्सएप चेक कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही व्हाट्सएप चेक करा और प्लेन क्रैश होने की न्यूज़ थी वो, मैंने सडन जैसे उस लड़की को देखा, वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। मैंने सारे में देखा बट वो लड़की मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। अरे तू अंधी है क्या है? तुझे दिखाई नहीं देता? वो मेरा ध्यान कहीं और था। मैं वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मेरी मीटिंग है। हेलो। हाँ बोल। मैं व्हाट्सएप चेक कर। अरे यार यहाँ मेरा वैसे ही दिमाग खराब है और तू पता नहीं व्हाट्सएप क्या है व्हाट्सएप में? वो कहीं ना कहीं भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही था, और हमारी नेकी हमारी भक्ति हमें हर जगह फल दे ही देती है, और वैसे भी नवरात्रों का टाइम चल रहा है और तुम हमेशा पूजा करके ही जाते हो, और हमारे घर में पूरे परिवार वाले मिलके नवरात्रों के 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो माता रानी ने आके बस तुम्हारी जान बचा ली। और वैसे भी थैंकफुल होना चाहिए तुम्हें भगवान का कि फरिश्ते के रूप में आके उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। कौन कहते हैं कि भगवान नहीं होते, बस दिल से देखने की जरूरत होती है, भगवान दिख जाते हैं। और वैसे भी तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चे दिल से श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हें मिलनी ही थी। तुम इतने लोगों की मदद करते हो, उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझते हो, भगवान के दिल में वो हमेशा वास करता है जो इंसान इंसानियत को महत्व देता है। तुम सही कह रहे हो अंकिता, भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हम लोगों की मदद जरूर करता है, और शायद वो उस लड़की के रूप में आकर आज उसने मेरी मदद कर दी, मेरी जान जाने से बच गई, और अनजाने में मैंने उस लड़की को बहुत बुरा भला बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये मेरे से गलती हुई है। खैर कोई नहीं, हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने फरिश्ते के रूप में आकर तुम्हारी जान बचा ली। कोई बात नहीं, एक डील कैंसिल ले दो, ऐसी कई डील्स आगे आने वाले कल में लिखी हूँ तुम्हारे लिए। और वैसे भी जान है तो जहान है। जय माता दी।